महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किया गया और इसके बाद काफी सारी गृहिणियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और पत्नी का दर्द नहीं देखा गया तो वडोदरा के एंटरप्रेन्योर सुनील ओझा ने एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जो झाड़ू पोछा लगाता है और अब इस रोबोट की वजह से पत्नी और पत्नी की वजह से पति दोनों खुश दिखते हैं। अच्छा सुधार आया है क्योंकि क्या है कि मुझे साइटिका का प्रॉब्लम है तो मैं पूरा ये लॉकडाउन के दरमियान में काम नहीं कर सकती। झाड़ू पोछा में ऐसे नहीं होता है तो ये पूरा काम देख के मेरे पति ने ये सब इन्वेंट किया क्योंकि काम वाली नहीं आती थी तो वो तो एक ही टाइम काम करती थी और ये रोबोट है वो जितनी बार आपको चलाना है उतनी बार आप चला सकते हैं। दिन में दो बार कर सकते हैं, तीन बार, चार बार, जितनी बार आपको करना है उतनी बार कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या था कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तब एवरीबॉडी वाज एट होम और कोई बाहर जा नहीं सकता था, कोई बाहर आ नहीं सकता था, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सबसे बड़ी हाउसवाइफ के लिए दिक्कत वो थी कि वो काम, घर का जो काम है वो काम कैसे करे। और पर्टिकुलर मेरी वाइफ को अगर मैं बात करूँ तो मेरी वाइफ को साइटिका का प्रॉब्लम है तो उसको ये पर्टिकुलरली झाड़ू पोछा करने के लिए दिक्कत वाली बात होती थी। और दूसरा क्या है कि आज घर में देखो तो हमारे पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक काम करता है, अभी आप देखो तो बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो भी ऑटोमेटिक काम होता है। तो अब ऐसा देखा हमने, सोचा कि एक ही चीज़ है जो अभी, क्योंकि आज की तारीख में वी आर डिपेंडेंट ऑन मेड फॉर एक ही काम रहा कि आज झाड़ू पोछा एक ऐसी चीज़ है उसके लिए हम डिपेंडेंट रहे, तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता कि ये हो सके, क्योंकि बाहर के कंट्री में हमने देखा है, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में लास्ट एक आध साल से, डेढ़ साल से ये रोबोट क्लीनर जो है वो बहुत मशहूर है। तो हमने सोचा कि ये हम यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और वो आइडिया से हमने प्रेरित होके ये चीज़ हमने एक करी कि हम एक रोबोट बनाए कि वो जो भी हाउसवाइफ है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, क्योंकि आपके पास वॉशिंग मशीन आ गया, आपके पास डिश वॉशर आ गया और अभी आपके पास ये रोबोट भी आ गया। सो नाउ यू आर फुल्ली ऑटोमाइज्ड, आपका पूरा घर ऑटोमेशन पे ऑटोमेटिक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो कोरोना की सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो टच का है। ठीक है, अगर मेड आ भी जाती है तो वी आर एट रिस्क फैक्टर, एवरीबडी बैक ऑफ द माइंड वो एक रिस्क लेके चलता है कि मेड कहीं ना कहीं कहीं पे जाके आती है। ठीक है, किसी के पास जाते आते वो घर पे गई तो वो घर से किसी को है और अपने वहाँ ही, तो अपने वहाँ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये जो चीज़ है तो उसमें क्या है कि देर इज़ नो टच इन्वॉल्व रिक्वायरमेंट, देर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायरमेंट। तो हमने एक रोबोट ऐसा डेवलप किया कि वो अपने आप जो बोलो वो टाइम पे, जैसे बोलो वैसे वो टाइम पे अपने आप वो झाड़ू पोछा करके अपने पास वो चली जाती है। अब इस रोबोट की वजह से ज्यादातर गृहिणियों को काम वाली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस रोबोट को इमोशन से लैस करने की भी प्रक्रिया जोरों पर है। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इससे बेहतरीन कदम कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादातर गृहिणियां चैन की सांसें ले पाएगी। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, गुजरात तक।